डॉक्टर के यहाँ ले गए, वो ठीक चल के गया, डॉक्टर के यहाँ खुद स्कूटी का 1000 रुपये मिल गया। उसने कहा कि 1000 रुपये जमा करा दो, अमित मोहन के पास उस टाइम 900 रुपये थे, 900 वो जमा करवा दिए। वो कहने लगे नहीं जब तक 100 रुपये नहीं और 1000 रुपये चाहिए मुझे, 1000 रुपये चाहिए, जब तक ये घर से आए 100 रुपये दिए, उसके बाद वो आया तब तक 25 मिनट हो चुकी थी और वो इस बीच में उसी के अपने भाई की मौत का झूठ अगर भी आ जाते हैं हम लोग तो तुरंत एक डॉक्टर अगर एक आध मरीज को कोई फ्री दवाई दे दे तो नहीं हो जाएगा। 200 रुपए जमा हो की वजह से कोई परेशान डॉक्टर को देख ले जैसे हमारा घर उजड़ गया किसी को भाव रखे चिकित्सक आके जो है उसका इलाज चालू कर दो। भसम खा कर मैं कह रहा हूँ इनके व्याप्त है 100 रुपए के ऊपर उस व्यक्ति ने जलील करा और 8 घंटे लेट आया। अगर जानता कुछ भी नहीं करना हम कभी भी बच भी सका थे ऐसी बात है। बार फर्स्ट एड तो नहीं है तो हुआ क्या था। मामला यह है कि हमारे पत्रकार साथी अमित मोहन गुप्ता जी कल उपचार न मिलने के कारण निधन हो गया। उनके निधन के बारे में जैसे हम पत्रकार साथियों को मालूम चला तो मालूम यह चला कि उनको 100 रुपये के अभाव के चलते उपचार समय पर नहीं मिल पाया जिससे वो काल के ग्रास में समाए। लगभग कितनी देर तड़पते रहे, कितनी देर तक वो डॉक्टर नहीं आए? जो हमने परिजनों से सुना है वो लगभग 25 से 30 मिनट वो हॉस्पिटल में तड़पते रहे लेकिन ना उसे उपचार दिया गया ना फर्स्ट एड दी गई। पता चला है कि मात्र 100 रुपये का अभाव उनकी जेब में नहीं रहा फीस जमा कराने के लिए। उसी के रोष से उसी के गुस्से से आज हम यहाँ सब कोतवाली में शामिल आए हैं और कोतवाल साहब को तहरीर दी है कि आरोपी डॉक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। कौरपाल सिंह है, मैं यहाँ सारा न्यूज चैनल से हूँ। अच्छा जो पत्रकार की मौत हुई क्या पूरा मामला? देखिए ये हम अमित मोहन थे, यहाँ राष्ट्रीय सहारा के प्रभारी थे। ये कल सुबह अपने दफ्तर में जब गए वहाँ पर अचानक इनकी तबीयत खराब होगी तो इन्हें जो है वहाँ से एकदम तुरंत मुकेश नर्सिंग होम में ले जाएगा। वहाँ पर जो है मौजूद जो चिकित्सक थे उन्होंने फीस मांगी 1000 रुपये इमरजेंसी के लेकिन इनकी जेब में केवल 900 रुपये थे और 900 रुपये लेकर उन्होंने रख लिए और कहा कि जब तक इनकी फीस पूरी नहीं हो जाती तब तक इनका इलाज नहीं किया जा सकता। परिजन तब तक 100 रुपये लेकर के आए, तब तक आधा घंटा बीत चुका था और इस दौरान अमित की दर्दनाक मौत हो गई। तो इसके विरोध में हम यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, तहरीर दे दी गई है इस डॉक्टर के खिलाफ और यदि किसी वजह से यहाँ पर पुलिस तहरीर को मुकदमा दर्ज नहीं करती तो कल से हम लोग यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे क्योंकि ये एक युवा हमारे साथी की जान चली गई, ये एक बहुत ही दुखद मामला है और ये चिकित्सक की सरासर लापरवाही से गई है। कल यहाँ थाने में पहुंचे हैं एक पत्रकार के विषय में, क्या पूरा मामला है? भैया अभी जैसा पत्रकार भाइयों ने बताया कि कल हमारे बीच के एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार अमित मोहन की डॉक्टर की लापरवाही से उसकी मृत्यु होगी कि हॉस्पिटल में सिर्फ 100 रुपये जमा ना करने की वजह से उसे आधा घंटा तक देखा नहीं गया और वो तड़प तड़प के मर गया। हमारे पत्रकार साथियों ने उस डॉक्टर के खिलाफ तहरीर दी, हमारा पूर्ण समर्थन पत्रकार भाइयों को है। पत्रकार भाई जो भी करेंगे इनसे आगे बढ़ के एक कदम आगे बढ़ के इनका समर्थन करेंगे, उस डॉक्टर को सबक सिखाने का काम करेंगे। अगर पुलिस ने उसमें जरा सा भी लापरवाही करी तो जैसा पत्रकार भाई तय करेंगे उसमें आंदोलन करा जाए, चाहे सड़क जाम करो चाहे डीएम का घेराव करो, इनके साथ रहेंगे हर कदम पर।